अवैध कोयला लदे ट्रक को पचम्बा पुलिस ने अलकापुरी के समीप से कब्जे में लिया और ट्रक ड्राइवर व ट्रक के मालिक से पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में माकूल जवाब नहीं मिलने पर ट्रक को पुलिस थाने ले गई और जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल के क्रम में पाया गया कि फर्जी कागजात के आधार पर अवैध कोयले का कारोबार किया जा रहा है। इसी तथ्य के आलोक में ट्रक के मालिक तेलोडे निवासी आजाद अंसारी को गिरफ्तार करते हुए अवैध कोयले को भी ट्रक सहित जब्त कर लिया गया। इस बाबत थाना प्रभारी ने बताया कि जांच पड़ताल के क्रम में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। गुप्त सूचना मिला कि अलकापुरी के पास, अलकापुरी चौक के पास एक ट्रक जिसमें अवैध कोयला लदा हुआ है वहां पे खड़ा है, तो इस सूचना का सत्यापन आवश्यक करवाई हेतु पहले वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया। उनके दिशा निर्देशों के अनुसार सूचना का सत्यापन आवश्यक करवाई हेतु सशस्त्र बल एवं अपने थाने के पुलिस पदाधिकारी के साथ अलकापुरी चौक के पास गए। वहाँ पे देखे कि पुलिस को देखते ही ट्रक में एक ड्राइवर जो भागने में कामयाब हो गया एवं आसपास के लोगों से पता चला कि यह ट्रक का मालिक मोहम्मद आजाद अंसारी जो ग्राम तेलोडी पचम्बा का ही रहने वाला है वही है। उसे संपर्क किया गया तो उसने बताया कि जो कोयला ट्रक में लदा हुआ है उससे संबंधित कागजात उसके पास है, तो उस संबंध में उनको कुछ टाइम दिया गया। तो वो कुछ देर के बाद, करीब 3-4 घंटे के बाद वो कागज़ लेके आए, जिसमें कागज को जांच पड़ताल किया गया, लेकिन कुछ उस कागज को अवैध या कागज जो संबंधित कोयला का नहीं दिखा, और जिसे संबंधित पदाधिकारी से जांच भी कराया गया, जिसमें पता चला कि वो कागज उस कोयले से संबंधित नहीं है। फिर उससे गिरफ्तार किया गया और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, और अभी केस भी दर्ज कर दी गई है एवं जो अभियुक्त है, जो गाड़ी का मालिक है मोहम्मद आजाद अंसारी, उसे गिरफ्त कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।